सर आज अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 विवादित प्रश्नों को लेकर जो डिवीजन बेंच में आज की जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, जिसमें आपने बीसी के द्वारा जो है अपना पक्ष भी रखा था अभ्यर्थियों का, तो सर क्या कुछ आज की सुनवाई में रहा? क्योंकि आज की सुनवाई को लेकर कई सारी बातें कल से चल रही थी, चर्चा में चल रही थी कि क्या आज सुनवाई में ऑर्डर होंगे, क्या कुछ हुआ है आज की सुनवाई में, वो आप बताएं सर। नमस्कार। अध्यापक लेवल 2 में जो क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन पे SAW स्पेशल अपील रिट राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने DB में पेश करी थी, उस पे बहस चल रही थी, कई दिन से बहस चल रही थी। इसमें दो चीज़ हमको समझनी होंगी कि लेवल 1 में जो एक्सपर्ट कमेटी को भेजने का ऑर्डर था वो कंटिन्यूएशन का ऑर्डर था, यानी कि कोर्ट में केस कंटिन्यू था और एक्सपर्ट की जो ओपिनियन आएगी वो कोर्ट में आएगी। और जयपुर में हमने बहुत स्ट्रिक्टली फोर्स करके कोर्ट में ये कहा था कि क्वेश्चंस के ऊपर बहस कोर्ट में होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है वो तो वो उसमें भी आ चुकी है आंसर की जब उन्होंने पेश करी थी। जोधपुर में किन्हीं कारणवश, जिसका मुझे पता नहीं है क्या कारण वहां पे है, वहां से सिंगल बेंच का फैसला कंक्लूड हो गया, सारी रिट्स वहां से डिस्पोज ऑफ हो गई। और जोधपुर के फैसले की वजह से जयपुर में जितनी भी L2 की फाइलें थी, जितनी भी रिट्स थी, वो भी सारी डिस्पोज हो गई, क्योंकि अगर एक बेंच का फैसला आ जाता है तो वो दूसरी बेंच पे भी मान्य होता है। तो हमारा पक्ष L2 में नहीं रख पाए। जोधपुर में लेवल 2 में जो सिंगल बेंच का फैसला था वो ये था कि जितने भी विवादित प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन्हें एक्सपर्ट कमेटी को भेजा जाए और वो अपनी रिपोर्ट पेश करे। इस फैसले के खिलाफ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड SAW में गया, यानी कि DB में उसने अपील करी, स्पेशल अपील रिट जिसे कहते हैं। उस स्पेशल अपील रिट में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जोधपुर में DB में ये कहा कि हम एक्सपर्ट कमेटी नहीं बिठाएंगे। अच्छा, यहाँ जो एक्सपर्ट कमेटी की जो आदेश हुए थे वो सिंगल बेंच से हो चुके थे, बिल्कुल सिंगल बेंच और से हो उसी चुके। एक्सपर्ट कमेटी को ना बैठाने के लिए ही बोर्ड ने DB में अप्लाई किया था। बिल्कुल, हम अच्छा। बोर्ड ने DB में अप्लाई किया और उसमें स्पष्ट ये प्रेयर की कि हम एक्सपर्ट कमेटी नहीं बिठाएंगे। और उसका तर्क ये दिया कि जो मॉडल आंसर की थी और जो फाइनल आंसर की है, दोनों जगह हमने एक्सपर्ट बिठा के ही आंसर की तैयार की थी, तो एक्सपर्ट पहले से बैठ चुके हैं। इस केस में SAW जो रिट थी जोधपुर में DB में, उसमें बहुत दिक्कत ये हो गई कि हम सबकी रिट्स डिस्पोज ऑफ हो गई। तो हमने हमारे कैंडिडेट्स की और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारे पास आए उनकी Order 1 Rule 10 CPC के तहत उस DB में, SAW जो DB में गई थी उसमें पार्टी बनने की एप्लीकेशन लगाई कि हमारा पक्ष भी वहां सुना जाए। पिछली दो तीन बहसों पे मैंने खुद ने आर्गुमेंट्स किए और हमने स्पष्ट ये बात कही कि सब जब L1 में क्वेश्चनों पे बहस हो सकती है तो L2 में कोर्ट में क्वेश्चंस पे बहस क्यों नहीं हो सकती। और इसमें सबसे प्रमुख पॉइंट ये है कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जयपुर में L2 में पहले ही रिप्लाई दे दिया था जिसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन थी। अब वहां वो ये कह रहे हैं कि हम एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं देंगे, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी आर्गुमेंट्स खुद स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थे, इसको हमने कोर्ट के सामने हाईलाइट किया और हमने कहा कि हमें क्वेश्चंस पे बहस चाहिए, वी वांट द आर्गुमेंट्स ऑन द ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि एक्सपर्ट की तो ओपिनियन दे चुके हैं। L1 में उन्होंने 4 बार दी है, कोई चेंज नहीं करा। 4 बार एक्सपर्ट ओपिनियन आने के बाद मजबूरन लास्ट में क्वेश्चन, कई बार एक्सपर्ट के ओपिनियन, बिल्कुल L1 में 4 बार एक्सपर्ट ओपिनियन आ गई। आज जो लेवल 2 में फिर क्या क्या कुछ फैसला हुआ था आज? बिल्कुल, आज लेवल 2 में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अपनी अपील को विड्रॉ कर रहा है। अच्छा, यानी कि वो अपील नहीं कर रहा और वो SB के जजमेंट को मानने के लिए तैयार, यानी वो कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे। बिल्कुल, पहले तो वो कमेटी बनाने के विरोध में थे इसीलिए SAW में गए, अब वो ये बोल रहे हैं कि हम इस अपील को ही विड्रॉ कर रहे हैं और हम कमिटी बनाने के लिए तैयार हैं। तो सर अपना इसमें सर क्या व्यू रहेगा, अपन कैंडिडेट्स के लिए, हमारे जो याचिकाकर्ताओं के लिए, उनके लिए क्या क्या कुछ? आज हमने कोर्ट में ये स्पष्ट माननीय न्यायाधीश महोदय जो DB में थे, श्री पुष्पेंद्र सिंह भाटी जी, उनसे स्पष्ट हमने ये नम्र निवेदन किया कि सर हमारा पक्ष जो है क्वेश्चंस का उसको सुना जाए कोर्ट में। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमें ये
अपने जजमेंट में ये ऑब्जर्व किया है कि आप इजीली जैसे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसबी के ऑर्डर के खिलाफ डीबी में गया था, आप भी एसबी के ऑर्डर के खिलाफ डीबी में जा सकते हैं और नई रिट बना के। अभी जो हम एसबी में गए वो तो पार्टी बनने की एप्लीकेशन थी, उसमें हम फैक्ट्स प्रॉपरली नहीं रख पाए, पर अब हम जब डीबी में जाएंगे, जो हमें को न्यायाधीश महोदय ने भी कहा है, तो अब जब हम डीबी में जाएंगे, जयपुर में भी जाएंगे और जोधपुर में भी जाएंगे, तो वहां हम पूरी रिट एक एक क्वेश्चन विद प्रूफ डीबी में एसबी के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हम हमारे पक्ष को रखेंगे कि क्वेश्चंस के ऊपर कोर्ट में बहस हो। अर्थात मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उससे अपन संतुष्ट नहीं है, नहीं हम अपन को संतुष्ट नहीं क्वेश्चन है। प्रश्न पे बहस होनी चाहिए। इस पे बिल्कुल एक सही। इस पे एक प्रश्न उठता है कि सर आप पहले फिर क्यों नहीं गए वहां डीबी में, पहले स्टाफ जो बोर्ड है चयन आयोग जो है वो पहले जा चुका था एसबी में, इसीलिए हम उस एसएडब्ल्यू जो डीबी में पेश हुई थी उसमें पार्टी बने। अब जब वो विड्रॉ कर रहा है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए अब हम फ्रेश डीबी में अपील पेश करके सारे क्वेश्चंस पे बहस कराएंगे कोर्ट में विद प्रूफ विद एविडेंस जो हमारे पास है। तो सर अब जो डिवीजन बेंच में अब जो रेट चलेगी, यानी अब जयपुर में भी जो कैंडिडेट्स जयपुर से भी अब लगा सकते हैं डिवीजन बिल्कुल, बेंच में। जयपुर जोधपुर दोनों सर जगह से हम एक चीज मैं लगाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी अपन कह रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट से तो हम इसलिए संतुष्ट नहीं है कि शायद कमेटी की रिपोर्ट अधिकतर जो पहले आई है वही वाली देंगे, लगभग लगभग चांसेस है, लेकिन प्रश्नों पर बहस करने से इसमें क्या अपने लिए बेनिफिट? देखिए, प्रश्नों पे जब कोर्ट के सामने बहस होती है तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स में, साइंस मैथमेटिक्स में है, माउस माउसेस वाला तो एक बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है, ऋणात्मक और जो वो है धनात्मक वाला, वो कई सारे स्टेट्स के एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान के ही एक संस्कृत शिक्षा विभाग के जो एग्जामिनेशन 2018 में हुआ था उसमें वो आ चुका है, और उसको भी जब ये गलत मान रहे हैं तो ये मैंडेटरी होता है कि वो प्रश्न हम माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने उस पर बहस करें, ताकि ये पता लगे माननीय न्यायाधीश महोदय को कि ये बहुत ही वो एविडेंट फैक्ट है, ये दिख रहा जो दिखता हुआ रॉन्ग है और इस रॉन्ग को हमको रोकना है। और हर सब्जेक्ट में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सोशल साइंस में भी ऐसे प्रश्न हैं, वो बिसल देव रावसो वाला प्रश्न है जो L1 में जिसपे बहुत अच्छे से बहस हुई है, और वही प्रश्न जब आप L2 में उस पर कोई बात नहीं हो रही, तो हम हमारा युद्ध तो पूरा लड़े, फैसला जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। जो हमने संघर्ष L1 में करा है वही संघर्ष हम L2 में भी करना चाहते हैं, प्रश्नों पे बहस करना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट हमारा जो पक्ष है, जो एकदम क्लियर एविडेंसेस हैं, वो हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। सर अब आज जो सुनवाई हुई है क्या ये फाइनल सुनवाई है, और मतलब ये फाइनल ऑर्डर आज हो गए हैं या फिर कोई और डेट भी? देखिए, फाइनल ऑर्डर मंडे को होंगे, क्योंकि आज जो मेन फाइल थी जो उसके नाम से थी, रमन चौधरी के नाम से, वो लिस्ट नहीं हो पाई थी, बाकी दूसरी फाइलें लिस्ट थी, तो रमन चौधरी वाली फाइल मंडे को लिस्ट होगी, उस लिस्ट में ही फिर जब कोर्ट के सामने आएगा वो केस, उसमें ये ऑर्डर मंडे को हो जाना चाहिए। अच्छा, और सर ये जो फैसला जो होगा वो सभी विषयों पे ही लागू होगा? बिल्कुल, वो फैसला सारे L2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे लागू होगा। और अब अपन जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनका केस अपन डीबी जयपुर में? बिल्कुल, जयपुर जोधपुर, मेरे पास जितने भी लीगल रिकॉर्ड्स हैं मेरे कैंडिडेट्स को न्याय दिलाने के लिए, या मेरे कैंडिडेट्स का पक्ष, एटलीस्ट मैं अपना पक्ष तो रखूं, फैसला जो भी हो विल सी टू इट, और फैसला हमारे पक्ष में ही होगा क्योंकि हमारे पास एविडेंसेस हैं, तो मेरा पक्ष तो रखा जाए कोर्ट में, जैसे L1 में हमने हमारा पक्ष रखा, ऐसे L2 में भी हम हमारा पक्ष रखें, मेरे कैंडिडेट्स का बात मैं हर फोरम पर रखने की कोशिश करूंगा।